उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में हुई आपदा को लेकर अफसरों के साथ एक बैठक की। बैठक में चमोली में बांध टूटने की वजह से हुई जनहानि को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। आपदा से प्रभावित हुए प्रदेश के परिवारों की सहायता के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यूपी के 2 अधिकारियों को देहरादून भेजने के निर्देश भी दिए गए। इस सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले और सदन के माध्यम से जनसेवा में रत ऐसे 4 हमारे साथी, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए कार्य की ओर कदम रख रहे हैं। श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, मीर मोहम्मद फैयाज जी, नाजिर अहमद जी, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। मीर मोहम्मद जी और नजीर अहमद जी, ये दोनों ऐसे साथी, सदन में शायद उनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा कि जिनके साथ मुझे मेरी चैम्बर में बैठ करके अलग अलग विषयों पर सुनने का, समझने का मौका न मिला। इवन कश्मीर की भी बारीकियां जब उनके साथ बैठता था, कभी कभी तो वो परिवार के साथ भी आते थे, इतने अनेक पहलू मेरे सामने रखते थे, वो मेरे लिए भी बड़ा एनलाइटिंग रहता था। तो मैं हमारे इन दोनों साथियों का, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नाता रहा और जो जानकारियां मुझे वो मिलती थी, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि उनका कमिटमेंट और उनकी क्षमता, ये दोनों देश के लिए और विशेष करके जम्मू कश्मीर के लिए काम आएगी, देश की एकता, देश के सुख शांति वैभव को बढ़ाने में काम आएगी, जब मुझे पूरा विश्वास है। हमारे एक साथी शमशेर सिंह जी, अब तो याद भी नहीं रहा कितने सालों से मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, क्योंकि मैं संगठन की दुनिया का इंसान रहा, इसी क्षेत्र में मैं काम करता था, कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में भी काम करने का मौका मिला। तो मेरे साथी कार्यकर्ता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रैवल करने का मौका मिलता था, बहुत छोटी आयु में जो इमरजेंसी में जेल में गए उसमें शमशेर सिंह जी थे। और इस सदन में शमशेर सिंह जी की उपस्थिति 96% है, ये अपने आप में, यानी जो दायित्व जनता ने उनको दिया उसको बिल्कुल 100% निभाने का प्रयास। मृदुभाषी हैं, सरल है, और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर से रिटायर होने वाले 4 आदरणीय सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कार्यकाल सबसे उत्तम कार्यकाल है, क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं, सहयात्री बने हैं, ये उनके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद
इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाब नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क और उसका मूल